प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हमें मौका दिए कि कुछ पल उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। आइए हम सब के सब अपने सरों को झुकाते हुए कुछ पल परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित शुभ समाचार 11:24 में, यहाँ पर इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बताते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारों, यदि हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमें हर एक जो कुछ भी हम मांगते हैं, जो कुछ भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो हमें विश्वास करने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमने पिता से मांगा या प्रभु यीशु मसीह से मांगा है कि जिस रोग के लिए हम प्रार्थना किए तो सारे रोग ने प्रभु हमारे छुटकारा कर दिए। वो सारे बातों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करना है। मेरे प्यारों, यदि हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है और विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम जो कुछ भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं तो हमें मिलने वाला नहीं है। अगर हाँ, अगर हम विश्वास कर लेते हैं और मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देता है, क्योंकि वो खुद का है। यदि तुम जो कुछ भी मांगते हो प्रार्थना में, चाहे बड़ी सी बातें क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बातें क्यों ना, कठिन से कठिन बातें क्यों ना हो, अगर तुम जो कुछ भी मांगते हो तो तुम विश्वास कर लो कि तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है या हमने सुना है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आइए इस सुंदर समय में हम भी एक विश्वास के साथ है, पूर्ण मन से, पूरे दिल से, अपने नर्म दिल के साथ है, परमेश्वर के सामने सर झुकाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब के सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा राजा, आप ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता आप है प्रभु जी। एक बार फिर से हम सबके सब प्रभु जी इस सुंदर समय में प्रभु जी, हालेलुया, हम सबके सब प्रभु हालेलुया अपने सरों को झुकाते हुए प्रभु जी हालेलुया एक नम्र दिल के साथ प्रभु जी आपके पास आते हैं। खुदावन खुदा प्रभु, आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु जी, आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता आप है प्रभु जी। हम सब के सब प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हालेलुया इस सुंदर समय में प्रभु जी हालेलुया आपके पास आते हैं। खुदावन खुदा हालेलुया, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया यहोवा निसी आप है प्रभु जी, यहोवा शालोम आप है प्रभु जी, यहोवा राफा आप है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, सबको शांति देने वाला पिता आप है प्रभु जी, हर एक लोगों के संग साथ रहने वाला आप है प्रभु जी, हर एक लोगों का शरण स्थान परमेश्वर आप है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जो कुछ भी करने वाला है प्रभु आप ही करते खुदावन पिता, इसलिए हम सब के सब प्रभु जी अपने सरों को झुकाते प्रभु आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते प्रभु जी और आपसे प्रार्थना करते खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए प्रभु इस सुंदर समय में, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे आवाजों को सुनते हैं प्रभु हालेलुया और हमारे साथ में प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया अपने कानों से प्रभु जी हालेलुया दिक्कत में है प्रभु जी हालेलुया, बहुत सारे लोगों के प्रभु जी कान के द्वारा सुनाई नहीं देता प्रभु जी, कानों में दिक्कत होता है प्रभु, परेशानी होता है प्रभु हालेलुया, सुनने में दिक्कत होती है प्रभु, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा करके छू करके चंगा कर दे खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी उनके कानों में जो भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा प्रभु जी, जो भी रोग होगा प्रभु जी, जो भी दिक्कत परेशानी होगा पिता यीशु नासरी के नाम से
खत्म होने पाए खुदावन, खुदा आशीष दे राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है खुदावन खुदा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने सर दर्द से प्रभु जी परेशान है प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी, बहुत सारे लोगों के सर में प्रभु जी, हालेलुया बहुत सालों से दर्द है प्रभु जी। हालेलुया दर्द से परेशान है प्रभु जी, हालेलुया तकलीफ से परेशान है प्रभु जी, हालेलुया। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी हालेलुया अपने हाथों को बढ़ा करके छू करके चंगा कर दे राजा। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके पवित्र लहू प्रभु जी उनके रग रंग में प्रभु जी होने पाए खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आप डॉक्टर के डॉक्टर है, वैद्यों के वैद्य है प्रभु। हम प्रार्थना करते हरेक लोगों को प्रभु आप छुटकारा देना खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अपने नाम की प्रभु जी हालेलुया अपने आवाजों को उठाते हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया शैतानी हरकत से परेशान है प्रभु जी हालेलुया, उनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया शैतानी हरकतें है प्रभु, उनके परिवार में प्रभु जी शैतानी हरकतें है प्रभु हालेलुया, उनके प्रभु जी हालेलुया हर एक तरह से बीमारी है प्रभु, शैतान ने प्रभु जी उन लोगों को जकड़ करके रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदावन उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ा करके छू करके चंगा कर दे खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन में प्रभु जी तू आशीष दे खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते उन सारे लोगों के जीवन से प्रभु जी सारे शैतान के जंजीरें प्रभु टूट जाने पाए प्रभु हालेलुया, प्रभु उन सारे लोगों के श्राप प्रभु जी टूट जाने पाए प्रभु हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु शैतानी हरकत है प्रभु जी, उनके घर में प्रभु जी शैतानी हरकत है प्रभु हालेलुया, उस सारे शैतानी हरकत से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए खुदावन खुदा आशीष दे। प्रभु तू दयालु हर जन तू दया कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया, बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्रभु जी अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद प्रभु जी प्रभु जी हालेलुया नौकरी की तलाश में दौड़ते हैं प्रभु हालेलुया, लेकिन प्रभु जी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाता है, लेकिन प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है यदि घर को यवन न बनाए तो बनाने वाला का काम व्यर्थ होगा, और यदि नगर को यवन रक्षा न करे तो रखवाले की जगना व्यर्थ होगा। हाँ प्रभु हालेलुया, हर एक लोगों को चाहने वाला पिता आप है प्रभु जी, हर एक लोगों को संभालने वाला पिता आप है प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी चलाने वाला पिता आप है प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रभु जी अपने नौकरी के लिए दौड़ते हैं प्रभु और उन लोगों का नौकरी नहीं मिल पाता है प्रभु, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, उन्हें तो सक्सेसफुल बना खुदावन प्रभु जी, उन्हें एक नौकरी दे ताकि प्रभु जी वे सब के सब प्रभु जी उन सारे अपने जॉबों के द्वार पर जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते उनके हरेक प्रभु जी हालेलुया मन के अनुसार प्रभु जी उनके हरेक आवाजों को सुनते हुए प्रभु जी हालेलुया, वो जो कुछ भी मांगते प्रभु जी उन्हें वैसा ही नौकरी दे खुदावन खुदा हालेलुया, क्योंकि प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी प्रार्थना को सुनने वाला आप है प्रभु जी, विनती को सुनने वाला आप है प्रभु जी, सारे हर एक लोगों के दुखों को हरने वाला प्रभु आप है प्रभु जी। कृपया करके उन्हें भी प्रार्थना उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, परीक्षा देने वाले हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते उन सारे लोगों के लिए प्रभु हालेलुया। हम प्रार्थना करते खुदावन खुदा कृपया करके प्रभु जी आप उन्हें प्रभु जी अपने बल बुद्धि ज्ञान से भर खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी आपके अपने बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा प्रभु जी आपके बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा प्रभु जी वे लोग जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं प्रभु जी वे सब के सब प्रभु जी हालेलुया परीक्षा में पास होने पाए खुदावन प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते अच्छी नॉलेज दे अच्छे ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि वे लोग प्रभु जी अच्छे ज्ञानों के द्वारा प्रभु जी अच्छे नॉलेज के द्वारा प्रभु आगे की ओर बढ़ने पाए खुदावन खुदा आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया उन सारे लोगों के लिए जितने भी लोग परीक्षा देने में प्रभु जी हालेलुया सक्सेसफुल नहीं होते पिता, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते कृपा करके प्रभु उनके दिमागों में
प्रभु जी वो सारे बातें डाल जो कुछ भी वो पढ़ाई करते और याद करते खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु एक बार फिर से प्रभु जी उन सारे दोस्तों के लिए प्रभु हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करवाते हैं प्रभु हालेलुया, प्रभु हम प्रार्थना करते उन सारे लोगों के लिए प्रभु उन्हें उनके दोस्तों को भी प्रभु जी अब सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी तकलीफें हैं प्रभु जी, अपने जीवन से प्रभु जी हालेलुया लचार है प्रभु जी हालेलुया, उनके जीवन में जी दिक्कत है प्रभु जी, परेशानी हो गए प्रभु जी हालेलुया, तकलीफें होगा प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी हालेलुया कि अपने जीवन के बारे में बहुत सारे सोचे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन उन्हें भी तू उनके हरेक जीवन के अलसाव को प्रभु पूरा करते हुए लेकर के चलना खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते जो कुछ भी जीवन में प्रभु जी बहुत सारे लोगों के जीवन में तकलीफ है प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी उनके जीवन से हरेक तकलीफ है प्रभु जी खत्म होने पाए खुदावन खुदा आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन खुदा प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा उन सारे लोगों के लिए जितने भी लोगों के प्रभु जी हालेलुया पैरों में दिक्कत है प्रभु, हमारे पास प्रभु हालेलुया प्रार्थना रिक्वेस्ट आया प्रभु, एक भाई के प्रभु जी हालेलुया हड्डी प्रभु जी जुड़ नहीं रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदा जो भी दिक्कत है प्रभु, जो भी परेशान है प्रभु जी या फ्रैक्चर है प्रभु जी, जो भी टूटा है प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु नासिर के नाम से प्रभु छुटकारा दे खुदावन प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन के अगर हड्डी जुड़ नहीं पाती है पिता उन्हें भी तू चंगा कर दे, ताकि वे लोग भी प्रभु हालेलुया अपने पैरों पर चल करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया अनुज बारा के लिए प्रभु हालेलुया, उनके प्रभु जी हालेलुया लीवर में प्रभु जी इन्फेक्शन है प्रभु हालेलुया, प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु उनके ब्लड में भी प्रभु जी इन्फेक्शन है प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा करके छू करके चंगा कर दीजिए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी आप डॉक्टर के डॉक्टर वैद्यों के वैद्य है प्रभु, हर एक रोगियों को चंगा करने वाला पिता आप है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु हालेलुया, क्योंकि यहोवा राफा आप है प्रभु जी, चंगा करने वाला आप है प्रभु हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते इन्हें छू करके आप चंगा कर दे खुदावन प्रभु जी, एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन सारे विषय को प्रभु आपके हाथों में रख करके प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, हर एक विषय को प्रभु जी प्रार्थना को सुनने और उत्तर दे खुदावन खुदा हालेलुया, क्योंकि प्रभु हालेलुया प्रार्थना को सुनने वाला पिता आप है प्रभु जी, हर एक लोगों को चंगा करने वाला पिता आप है प्रभु जी, हर एक लोगों के बारे में सोचने वाला पिता आप है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते एक एक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में मिल करके प्रार्थना करते प्रभु जी, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं पिता, हम प्रार्थना करते उन सारे लोगों को आप छुटकारा दे खुदावन प्रभु जी, तरह तरह के रोग से प्रभु जी, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह से की तकलीफ से प्रभु जी, तरह तरह की समस्या से प्रभु जी बचा करके रख खुदावन खुदा आशीष दे राजा प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी उन सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा, तू दयालु है राजा, तू दया कर तेरी महिमा हो, मेरी प्रार्थनाओं को सुना पिता और उतर दिए इसलिए आपको धन्यवाद है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ, खुदावन खुदा आशीष दे तेरी महिमा हो, मेरी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए आपको धन्यवाद है, आपको धन महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते सुन और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। इसी तरह से प्रार्थना करें, विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुने हैं और सुन रहे हैं और सुन करके वो उत्तर देने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हर एक लोगों के प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसलिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।